औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिही व बारिक वसल्लम। मौजूद नजरीन और सामीन, मैं वकार मुनीर, आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक यूट्यूब चैनल स्काईवे मार्केटिंग। आज मैं नोवा सिटी की साइट के ऊपर मौजूद हूँ नाजरीन, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी दिली तौर पर खुशी हुई है कि इस वक्त साइट के ऊपर जो मुझे काम की रफ्तार नज़र आ रही है, जिस तरह का साइट के ऊपर प्रोग्राम चल रहा है डिवेलपमेंट का, और जिस तरीके से मैक्सन का चार्ज संभालने के बाद यहाँ की डेवलपमेंट जैसे उन्होंने अपने हाथ में ली और इसके ऊपर उन्होंने काम किया है, अल्हम्दुलिल्लाह एक तसल्ली बख्श मैसेज है। और मैं पहले भी यही कहता था कि इंशाल्लाह नोवा के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो फलेगी फूलेगी, देर ज़रूर हो सकती है, वक्त लग सकता है उसके ऊपर, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये इन्वेस्टमेंट डूबेगी या आपको नुकसान देगी। मैं इस वक्त साइट के ऊपर मौजूद हूँ, जिस तरीके से यहाँ पर काम हो रहा है, और चंद दिनों के अंदर, आज से पहले मेरी वीडियो एक वीक पहले की देख लें, और एक वीक के अंदर जितनी डेवलपमेंट हुई है वो आपके आंखों के सामने है। आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो करें, लाइक करें, ताकि तमाम अपडेट बासानी आप लोगों तक पहुंचे। मैं साइट के ऊपर चलूँगा और इसकी मुकम्मल डेवलपमेंट इंशाल्लाह आप लोगों तक पहुँचाऊँगा। आपने मेरी वीडियो को स्किप किए बगैर पूरी वीडियो को आपने देखना है और लाइक करना है। जब आप देखेंगे साइट, आपका दिल खुश हो जाएगा कि यहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट अच्छी की थी या नहीं की थी, करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मैं साइट के ऊपर चलता हूँ, आप मेरे साथ रहे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिही व बारिक वसल्लम। मुअज्जज नज़रीन और सामीन, मैं वकार मुनीर, आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक यूट्यूब चैनल स्काईवे मार्केटिंग। नाजरीन, आज मैं वादा के मुताबिक और साइट के ऊपर जिस तरीके से हम आते हैं नोवा की साइट के ऊपर मौजूद हूँ। आज की मेरी वीडियो नोवा की डेवलपमेंट के एतबार से है, क्योंकि बड़े अरसे बाद आपको डेवलपमेंट दिखाने जा रहे हैं। काफ़ी स्लो रही है डेवलपमेंट, काफ़ी इसके ऊपर हमारे क्लाइंट्स का जो है वो तबीयत जो है नाखुशगवार थी और बहुत ज़्यादा परेशान कुन भी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब आपको साइट जो है वो प्रॉपर नज़र आ रही है, सेवरेज कंप्लीट हो चुकी है बहुत सारी जगहों के ऊपर। नाजरीन, जिसका राउंड अबाउट है मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक बहुत बड़ा राउंड अबाउट है जिसके ऊपर इसका कमर्शियल एरिया भी होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो अब हमें नोवा बदलता नज़र आ रहा है। हम डेली बेसिस के ऊपर हमारी कोशिश है कि हम आपको नोवा दिखाएं, क्योंकि अरसा दराज से हमने तमाम प्रोजेक्ट्स को किया है उसके ऊपर नोवा के क्लाइंट्स खामोश रहे हैं, उन्होंने अपनी खामोशी नहीं तोड़ी, अपनी उन्होंने नुकसान नहीं किया, वो तमाम पर उम्मीद थे, वो जिस उम्मीद के साथ थे अल्लाह पाक ने उनकी उस उम्मीद को सलामत रखा है। आज नोवा की साइट के ऊपर भरपूर काम हो रहा है और बड़ा तसल्ली बख्श काम हो रहा है, आप देख सकते हैं। और ये मेरी जो कैमरे की आंख आप लोगों को दिखा रही है, और ये हकीकत है और आप लोगों के सामने है। अल्हम्दुलिल्लाह साइट बहुत ज़बरदस्त डिवेलप हो चुकी है, हमने दो दिन पहले आके भी इस प्रोग्राम को हमने किया है, यहाँ आप लोगों को अपडेट किया है, आज भी आप लोगों को अपडेट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि एक वसी डेवलपमेंट का सिलसिला स्टार्ट है। इंशाल्लाह जिस तरीके से ब्लू वर्ल्ड के अंदर मशीनरी ने जोर पकड़ा था, आज वही सीन हमें नोवा की साइट के ऊपर नज़र आ रहा है, और अब इंशाल्लाह इसकी डेवलपमेंट रुकेगी नहीं, बल्कि वो टाइम आ गया है कि अब नोवा डिलीवर करेगी और आप लोगों को अपने वादे के मुताबिक वो प्लॉट्स डिलीवर करेगी। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि तमाम अपडेट बासानी आप लोगों तक पहुंच सके और हम इसी तरीके से साइट के ऊपर आके आप लोगों को मुस्तफीद करते रहें। हमारे लिए भी बड़ी खुशी का मकाम है कि हमने जहां पे अपने तमाम दोस्तों की इन्वेस्टर्स की और अपने एंड यूज़र की इन्वेस्टमेंट करवाई, आज हम फ़ख्र से कह सकते हैं, कल भी कहते थे और आज भी कह रहे हैं कि इंशाल्लाह मायूस कन पोजिशन नहीं होगी, बल्कि हर आने वाला दिन नोवा की साइट के ऊपर एक चार चांद लगाएगा, एक नई दुनिया आबाद करेगा, एक नई डेवलपमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह वही काम हो रहा है कि मेन बुलेवार्ड क्या, उसके साथ स्ट्रीट्स और उसकी स्ट्रीट के साथ साथ उसका सेवरेज का सिस्टम भी कंप्लीट होता जा रहा है। मेरा ये ईमान है और मैं ये बिलीव करता हूँ कि जब इंसान काम करना चाहता है, और इतनी फिर बड़ी तकड़ी डेवलपमेंट की कंपनी मैक्सन जैसी जब साइट के ऊपर आएगी तो काम क्यों नहीं होगा। हम इसी उम्मीद के साथ लोगों को कहते थे कि आप एयरपोर्ट के बगल में हैं, तो एयरपोर्ट आप लोगों के सामने है, कोई ऐसी बात नहीं है, बातों तक बात नहीं की। पाकिस्तान का कोई एयरपोर्ट मुझे दिखा दे कि जो हो और उसके आसपास का एरिया डेवलप ना हो चुका हो, वहाँ आबादी ना हो, या उस जगह के रेट ना हो, या वहाँ पर रिहायशी ज़िंदगी
या ज़िंदगी का वजूद मुमकिन ना हो, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। हम इसी उम्मीद के साथ अपने तमाम दोस्तों को हम ये दावत देते हैं कि जो एयरपोर्ट की वजह से ब्लू वर्ल्ड जाना चाहते हैं, किंगडम जाना चाहते हैं, कैपिटल स्मार्ट सिटी जाना चाहते हैं, या इस्लामाबाद के टूल प्लाजा से 50 किलोमीटर दूर जाना चाहते हैं, उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। आपकी अपनी सोसाइटी, आपकी अपनी साइट इस वक्त ओपन हो चुकी है और बेहतरीन टाइम है यहाँ इन्वेस्टमेंट करने का। गलती मत कीजिए, अगर आपने आप इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप नोवा में करें। एक अच्छी ऑप्शन को अपने हाथ से ज़ाया मत करें, बल्कि उसको अवेल करें। मैं बड़ा पूरी उम्मीद हूँ आप लोगों से, आपको ये मेरा पैगाम, उम्मीद करता हूँ एक नई सुबह की नवीद देगा आपको ये मेरा पैगाम, आपके एक मुनाफे की दलील देगा और ये डेवलपमेंट आप लोगों को एक उम्मीद देगी इंशाल्लाह। नोवा जिस तरीके से और मैक्सन साइट के ऊपर काम कर रहा है, आपकी इन्वेस्टमेंट ज़ाया नहीं होगी बल्कि ये फलेगी, फूलेगी और बढ़ेगी। इसी उम्मीद के साथ मैं साइट से जाने लगा हूँ। आप लोगों को भरपूर दावत देता हूँ कि मेरे दिए गए नंबर के ऊपर आप रब्ता करें, अपनी बुकिंग को यकीनी बनाएं। आज एक बेहतरीन वक्त है और आज की मेरी बात याद रखना, आज 23 अगस्त 2022 एक यादगार वीडियो होगी। और आज जो दुनिया आपको यहाँ नज़र आ रही है, जिस तरह की डेवलपमेंट नज़र आ रही है, कल यहाँ पे आपको बिल्डिंग्स, यहाँ पे आपको घर, यहाँ पे आपको कमर्शियल्स और ये हस्ता बस्ता एरिया नज़र आएगा और आप इससे महरूम होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से ज़ाया नहीं करेंगे बल्कि नंबर उठाएं और मेरे दिए गए नंबर के ऊपर कॉल करें, अपनी बुकिंग को यकीनी बनाएं। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और अपने प्यारों का और मेरे चैनल का। अल्लाह हाफिज़।